सर क्वेश्चन नंबर नाइन, सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नाइन, सर 2.3 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन पहले इज देयर एनी डाउट इन नंबर नाइन सर, 3 और 4 आल्सो किसी ने बोला उम्र क्या स्टार्ट? नो डाउट सर, 9 तो क्वेश्चन बोला किसी ने? हाँ सर, चैट में डाला है सर, मैंने बोला सर 9 क्वेश्चन डाउट मैंने उम्र में क्या सर, वो वैसे दिन आपने वही देखे सर। ठीक है सर, क्या आप ग्रुप पर इसके आंसर दे सकते हैं? इसके आंसर सबके सबके आंसर जो है सर, इसके आंसर एमटीजी बुक में दिए है ना, एमटीजी बुक में दिए हुए हैं, और अगर आपके पास एमटीजी बुक भी नहीं है तो फिर देन अनदर ऑप्शन इज इसके आंसर की का डायरेक्ट पीडीएफ भी सर है, सर मेरे पास है सर बुक, ये डायरेक्ट पीडीएफ भी है ये आंसर सर। एनसीईआरटी बुक आप है ना सर, उस पे मिलना है सर, मिलता है एनसीईआरटी बुक में सर, ये ऐसे भी आंसर्स दिए हुए हैं, ये आंसर का पीडीएफ है एक स्पेशल, वो मैं भेज दूंगा आंसर का पीडीएफ। ठीक है 2.3 क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद 2.4 वाले डाउट्स लेंगे। 9th क्वेश्चन में देखो, ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि सर ये किस टाइप से सॉल्व करें, किस टाइप से सॉल्व करें। देखो इसको आप जो आपको इजी लगता है उस मेथड से सॉल्व करो, इधर यू कैन यूज ट्रांसपोजिशन मेथड और यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, विच एवर मेथड यू फाइंड इजियर यू कैन सॉल्व बाय दैट। और सिस्टमेटिक मेथड मतलब बैलेंसिंग मेथड जो है वो तो बिल्कुल बच्चों जैसा है, हम वो यूज ही नहीं करते, हम सीधा ट्रांसपोज करते हैं नंबर को। तो इसीलिए इन दो मेथड जो हमने चूज किए, ट्रांसपोजिशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, विच एवर यू फाइंड ईजियर यू कैन यूज दैट। अभी मुझे ऐसा मत पूछो कि सर इस मेथड से मैंने सॉल्व किया, कौन से मेथड से सॉल्व करो, आंसर आंसर करेक्ट आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये जो 9th क्वेश्चन है, अगर समझो मैंने इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व किया, तो ट्रांसपोजिशन मेथड का गोल क्या रहता है कि वेरिएबल वाले सारे टर्म एक साइड ले लो और नंबर्स को एक साइड शिफ्ट करो। सो 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y, तो वेरिएबल को एक साइड, आई एम सॉल्विंग बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके तो ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये y को लेफ्ट में शिफ्ट ट्रांसपोज करो और ये 5/3 को राइट में ट्रांसपोज करो, तो 2y माइनस y को लेफ्ट में ट्रांसपोज करने के बाद वो प्लस y आएगा, और 26/3 5/3 को राइट में ट्रांसपोज किया तो माइनस 5/3 आएगा। 2y प्लस y 3y इज इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3 21/3 आएगा, 21/3 इज 7, and now divide by 3 on both side, that means we can transpose these 3 on right hand side, it will be divided, so answer is 7/3. If some people feel that no sir I want only cross multiplication, so we may use that method also, method number 2. वैसे यहाँ पे cross multiplication का जरूरत नहीं है, वो unnecessary lengthy होगा, सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो, ऐसे थोड़ी है कि इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, कभी कभी वो ट्रांसपोजिशन मेथड से आसान हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जैसे अभी मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उसको सॉल्व किया तो 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई हियर 3 2 6y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26 माइनस 3y/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Now here again we multiply like this, 6y plus 5 into 3 is equal to 26 minus 3y into 3. So ye aa jayega 36 18y plus 15 is equal to 3 into 26 kitna aata hai, 26 3 ja kitna hai re 108 108 no sir 78 78 ठीक है।
अभी वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड ले लो, 9y लेफ्ट में शिफ्ट किया और 78 माइनस 15, 18 प्लस 9 27y इज इक्वल टू 78 माइनस 15 वो आ जाएगा 63, y इज इक्वल टू 63 अपॉन 27, 9 से डिवाइड करो, 9 7 जा एंड 9 3 जा 7/3, अगेन आंसर इज सेम। ये मेथड थोड़ा सा इसमें लेंदी हो गया। और दूसरा तरीका है द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन अनदर वे लाइक दिस। तीसरा मेथड, अनदर मेथड इज दिस, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है 2y plus 5/3 is equal to 26/3 minus y। यहाँ पे हम तीसरा मेथड ऐसा है कि हमें हमारे डिनोमिनेटर हमारे एनिमीज रहते हैं, सो वी शैल मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। यहाँ 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, दोनों 3 है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। तो ये थर्ड मेथड है मल्टीप्लाई बाय एलसीएम मेथड, ताकि डिनोमिनेटर पूरा कैंसल हो जाए। सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 3 आई विल हैव टू मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी टर्म। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट में दो टर्म है और राइट में दो टर्म है, तो यहाँ 4 बार हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दो दो टर्म को। यहाँ आएगा 2 3 6y प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ 3 कैंसिल होगा 26 माइनस 3y को लेफ्ट में ले लो, 6y प्लस 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 को राइट में ट्रांसपोज करो माइनस होगा, 6y प्लस 3y 9y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 अपॉन 9, 3 7 3 3 7/3। So these are three methods, whichever you find easier you solve by it। Abhi kuch question mein kya hoga ki isse solve kiya to aasani se solve ho jayega। Sir mujhe samajh mein nahi, sabhi repeat karo na। Kaun sa nahi samajh mein aaya, kya nahi samajh mein aaya? Sir pehle se repeat karo। No I will not repeat, this is not the way to ask teacher। सर पहले से होता है क्या बेटा कि कुछ भी नहीं समझ में आया? आई एम सरप्राइज्ड, ये तीनों मेथड मैंने कल भी सर अभी ज्वाइन हुआ। हाँ ऐसा बोलो, अभी ज्वाइन हुए हो तो ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। ओके तो इन तीनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला था ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें हमने वेरिएबल एक साइड लिए और नंबर्स को एक साइड लिया, ठीक है, और सॉल्व किया। दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता है इसका फॉर्मेट क्या आता है, लीनियर अपॉन लीनियर इज इक्वल टू नंबर अपॉन नंबर, या तो ये फॉर्मेट आ सकता है या फिर कभी कभी आपको लीनियर अपॉन नंबर इज इक्वल टू लीनियर अपॉन दूसरा नंबर, ये फॉर्मेट आ सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रांसपोजिशन मेथड पहला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूसरा, ठीक है, और तीसरा था डिनोमिनेटर को रिमूव करो, सो वी मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सो दैट डिनोमिनेटर इज रिमूव्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो सब कुछ न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ये ट्रांसपोजिशन मेथड ही है, लेकिन पहले हम डिनोमिनेटर को रिमूव कर देते हैं। ओके, ये है मेथड 3। अभी समझ में आए क्या तीनों मेथड? यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। ओके यस सर। तो
यू कैन चूज कभी किसी क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सिंप्लीफाई देगा आंसर सिंप्लीफाई करेगा वो हमें पता नहीं रहता है दैट यू कैन डिसाइड एज पर द क्वेश्चन ओके अभी मुझे ऐसा मत पूछो कि कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए ऑल राइट वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.4 इस टाइप के क्वेश्चन देखो इसके डाउट चैट में लिखे है क्वेश्चन 3 2 2 3 4 6 7 9 ठीक है ये सारे डाउट्स है इसके अलावा किसी को और कोई डाउट है क्या ठीक है 2 3 4 6 7 9 क्वेश्चन नंबर 2 सर मतलब हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और बाकी के आपको सॉल्व करने पड़ रहे हाँ नो प्रॉब्लम दैट्स ऑल राइट सेकंड क्वेश्चन देखो मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होता है आप कितने भी डाउट्स पूछो आपने अगर पूरा एक्सरसाइज एज अ डाउट पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट आई डोंट लाइक इनसिंसियर अटेम्प्ट्स इनसिंसियरिटी आई रियली गेट A positive number is 5 times. Sir, मैंने बताया कि डायरेक्ट आपको कि मैं अभी ज्वाइन हूँ सिर्फ बताया सर क्योंकि मुझे लगा बताने की जरूरत नहीं नहीं रे ऐसा नहीं रहता सी यू कैन अभी क्लास कितने बजे शुरू हुआ 7:30 बजे 15 मिनट सर ने पूरा एक्सप्लेन किया 15 मिनट का आप बोल रहे कि सर फिर से पढ़ाओ उस टीचर का सोचो ना क्या लगेगा उसको 15 मिनट बड़बड़ कर रहा था मैं सबके लिए और आप अकेले के लिए फिर से रिवाइज तो इसलिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो ना हमारा फैसिलिटी दूसरा अवेलेबल है अगर फैसिलिटी नहीं रहता रिकॉर्डेड लेक्चर का तो फिर ठीक है मैं रिपीट कर लेता बट इट डजंट लुक गुड लाइक दैट ऑफकोर्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम डाउट्स लेकिन ऐसे मत पूछो कि सब कुछ एक्सप्लेन करो सर ऐसे कभी मत पूछो मैं जब आपको फोन करता हूँ ना मतलब पूरे डे आपका फोन स्विच ऑफ रहता है नहीं तो उठाते नहीं जब आप उठाते तो मेरा कुछ कहा तो जाता है ऐसा ही होता है हर बार ठीक है तुझे अभी जो बताया तीनों मेथड अभी समझ में आया क्या ये जो ट्रांसपोजिशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम तीनों तरीके समझ में आए क्या ज्यादा नहीं आए सर मतलब क्लियर नहीं है ठीक है थोड़ा फास्ट लेंगे तो जमता सर आप रिकॉर्डेड ही सुन लो अभी इस बार आपको नहीं बताऊंगा मैं सम अटेम्प्ट्स यू शुड थोड़ा ओवर लुक करके दो ना सर ओके देखो क्विक पहला मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड इसका हमारा गोल रहता है कि वेरिएबल वाले सारे टर्म एक साइड आ जाए और नंबर सारे दूसरे साइड आ जाए तो हमने यहाँ 2y लेफ्ट में है तो इस माइनस वाई को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो प्लस वाई होएगा और ट्रांसपोज किया इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन माइनस है तो उसको प्लस करते हैं लेफ्ट में और 5/3 प्लस है एडेड है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड ये नंबर को एक साइड शिफ्ट किया वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट किया फिर 2y प्लस y 3y ये 21/3 आएगा 7 ऑन y विल बी इक्वल टू 7/3 3 को ट्रांसपोज किया तो वो अपॉन में जाएगा डिवाइड हो जाएगा दिस इज वन मेथड सेकंड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पहले हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया 2y × 3 6y प्लस 5 × 1 = 5/3 और 26 − 3y / 3 और फिर ये हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का लीनियर अपॉन लीनियर इक्वल टू नंबर अपॉन नंबर या फिर लीनियर अपॉन नंबर इक्वल टू लीनियर अपॉन नंबर तो ये लीनियर अपॉन नंबर है तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6y + 5 × 3
26 माइनस 3 वाई इंटू 3 इज इक्वल टू बीच में देन वी मल्टीप्लाई इन साइड ब्रैकेट 36 जा 18 वाई 35 जा 15 26 3 जा 78 माइनस 9 वाई y वाले सारे टर्म फिर से ये ट्रांसपोजिशन अभी y वाले सारे टर्म्स लेफ्ट में शिफ्ट करो बाकी नंबर्स राइट में शिफ्ट करो y का वैल्यू वही आया 7/3 एंड अनदर वे इज डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए उनका एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर यहाँ 3/3 है तो 3/3 का एलसीएम 3 ही आएगा और 3 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो 2y को 3 से मल्टीप्लाई करो 5/3 × 3 26/3 × 3 माइनस y इंटू 3 सबको 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ 3/3 कैंसिल हो जाएगा दो जगह जहाँ डिनोमिनेटर था और बाकी 2y × 3 6y यहाँ 5 26 माइनस 3y बस y वाले टर्म्स एक साइड ले लो नंबर एक साइड ले लो और कैलकुलेशन करो वही ट्रांसपोजिशन मेथड ठीक है लगता है आपने ये कल पढ़ा इसलिए रिपीट नहीं किया A positive number is 5 times another number. Second question. एक positive number है, 5 times another number है. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number. What are the numbers? Of course, अभी exercise 2.4. Sir, बहुत confused होते हैं ये questions. Exercise 2.4 जो है, ये आपका thorough testing करेगा. आप कितने, हाँ, बिल्कुल, you will have to be really, really focused. आपका फोकस थरो टेस्टिंग होता है इस एक्सरसाइज में थोड़े से 2.2 से थोड़े टफ क्वेश्चन है इसमें टफ नहीं बोल सकता मैं थोड़े कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हाँ तो अभी देखो अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू व्हाट आर द नंबर्स अभी हमें दो नंबर्स दिए है पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या सर मैंने इन क्वेश्चन को तो बहुत सोचा सर बट उनका आंसर नहीं आ रहा था बाद में मैं सोचता रहा तो फिर मैं बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद सर एक स्टेप समझ आई सर ये कैसे करने का और बाद में सारे क्वेश्चन इजी जाने लगे सर ठीक है देखो सबसे पहले ये स्क्राइब के क्वेश्चन में फोकस क्या करना है क्या फाइंड आउट करना है मुझे तो यहाँ पे व्हाट आर द नंबर्स तो वो दो नंबर हमें पूछे गए वन पॉजिटिव नंबर एंड द अनदर नंबर ये दो नंबर हमें पूछे गए सो और उन दोनों का रिलेशन अभी क्लियरली दिया हुआ है कि एक नंबर 5 टाइम्स अदर है तो बस हम क्या करेंगे लेट द अदर नंबर हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर लेट जो दूसरा वाला नंबर लेट द सेकंड नंबर is equal to x and therefore the first number पहला जो number है ये 5 times x आएगा क्योंकि हमें बोला गया कि a positive number is 5 times the other number तो other number मतलब second number हमने x लिया तो पहला number 5x आएगा अभी ये दोनों नंबर जो मुझे फाइंड करने हैं उनको मैंने वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया देखो हर एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व किया हमने पिछले भी एक्सरसाइज 2.2 में आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है पहले जो भी अननोन है उनको सबको मैंने एक्स के फॉर्मेट में लिख लिया 5 रुपी कॉइन x 2 रुपीज कॉइन 3x 1 रुपी कॉइन 160 -x -3x मतलब पहले जो फाइंड करना है उसको वेरिएबल एक्स के फॉर्मेट में लिखो That is the first step. और फिर कंडीशन जो दिया है वहां से इक्वेशन बनाओ ओके तो आपको वो चूज करते आना चाहिए कि उसमें से x किसको लेना है वो जो सेकंड नंबर है उसको x ले लो ताकि फर्स्ट नंबर वो 5 टाइम्स x आएगा क्योंकि क्लियरली दिया है क्वेश्चन में सो दिस इज हाउ जो फाइंड करना है उसको पहले सबको एक ही वेरिएबल x में लिखो क्योंकि हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो एक ही वेरिएबल में जो फाइंड करना है वो पहले लिखना पड़ेगा फिर अभी कंडीशन पढ़ लो और वहां से इक्वेशन बनाओ नाउ व्हाट इज द कंडीशन 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स बस इतना पढ़ लिया मैंने सो मैं अभी लिख रहा हूँ व्हेन 21 इज एडेड 21 जब एड किया मैंने तो एक नंबर मिलेगा x प्लस 21 और दूसरा मिलेगा 5x प्लस 21 Okay, now what is happening when 21 is added to both the numbers, then
वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो 21 ऐड करने के बाद ये दो नए नंबर आ गए. उसमें बोला गया कि एक जो है दूसरे का ट्वाइस है, तो अभी आप ही बोलो मुझे कौन सा बड़ा आएगा इन दोनों में, x plus 21 बड़ा आएगा. We can say from given condition, from given condition 5x plus 21 will be 2 times x plus 21. जो दो नए नंबर आए उसमें से वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो दोनों में से एक जो बड़ा है वो छोटे वाले का डबल रहेगा. दैट्स ऑल. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 5x plus 21 equals to 2 into x 2x plus 2 into 21 42. x वाले टर्म लेफ्ट में ले लो, 5x minus 2x, 2x को ट्रांसपोज किया और 21 को ट्रांसपोज किया, ये आएगा 3x is equal to 21. x is equal to 3 7 21. अभी क्रॉस चेक करो, x का वैल्यू 27 आया, तो पहला सेकंड नंबर 7 और 7 5 35, ये दो नंबर आए. और कंडीशन बोला कि दोनों में 21 ऐड करो, तो ये 28 आएगा और 35 में 21 ऐड किए तो 56 आएगा. ये दोनों 56 दूसरे का इसका डबल है, इसका मतलब हमारा कंडीशन करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है. So answer is required numbers are 35, 7. पहला नंबर 35, दूसरा 7. Is this clear? Yes sir. Yes sir. Sir. हाँ बोलो. Sir आपने वो two into में क्यों लिखा sir? सर वो डबल है इसलिए. ट्वाइस ट्वाइस यहाँ पे दिया है ना, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. ट्वाइस मुझे दुप्पट, टू टाइम्स. ओके सर. तो ये जो दो नए नंबर मिले मुझे, इसमें से ये 5x plus 21 बड़ा है, तो वो छोटे वाले का डबल रहेगा, x plus 21 का डबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू हो गया. थ्री, इसके फोटोज में भेज दूंगा ग्रुप पे, लिख लेना बाद में. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. व्हाट इज द टू डिजिट नंबर. देखो ये वाले क्वेश्चन जब आप एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे ना, तो डायरेक्टली ऑप्शन देख के आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला आंसर लिख लेने का. जैसे पिछले वाला क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैं ऑप्शन दूंगा आपको 35 7 7 35 28 56 एंड नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा. तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि पहला नंबर 35 और दूसरा नंबर 7, तो ये दोनों ए 5 टाइम्स है, 7 का 5 टाइम्स 35 है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. दूसरा कंडीशन है कि दोनों में 21 ऐड करके देखो, एक आंसर 28 आता है, एक 56 आता है, तो एक आंसर दूसरे का डबल रहना चाहिए, ट्वाइस रहना चाहिए. तो इसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा. तो ऑप्शन अगर दिए है तो लॉटरी लग गई समझो, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको पहले इक्वेशन बनाने पड़ते हैं और बहुत टाइम चला जाता है. सर फॉर आप इस वाले मेंस टेस्ट में तो हमारे लॉटरी लग गई समझो. हाँ बिल्कुल, आपको डायरेक्ट कंडीशन चेक करना है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर. लेकिन यू नीड टू सॉल्व बोथ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव. खाली सब्जेक्टिव इक्वेशन बनाते आना चाहिए ना सर, उसकी तो प्रैक्टिस होगी ना सर, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है ना सर महीने से एक बार. हाँ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर. देखो अभी व्हेनेवर देयर इज टू डिजिट नंबर, से फॉर एग्जांपल 25, सो आई कैन राइट एनी टू डिजिट नंबर यूजिंग द इंडिविजुअल डिजिट्स लाइक दिस. तो यहाँ जो
पहला डिजिट है यूनिट प्लेस एंड दिस टेंस प्लेस. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2 × 10 प्लस 5 × 1 ऐसा हम लिख सकते हैं. ओके, जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे. और जब हम इसका रिवर्स करते हैं, 25 को उल्टा किया, रिवर्स डिजिट 52 आएगा, तो वो आएगा 5 × 10 प्लस 2 × 1 ऐसे आएगा. तो ये याद रखना है, ओरिजिनल नंबर 25, उसका रिवर्स नंबर 52. तो वैसे ही यहाँ पे हमें बताया गया कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. अभी यहाँ पे एक 2-digit नंबर है, मैं क्या करूंगा, एक डिजिट को x ले लेता हूं, दूसरा आएगा 9 − x, क्योंकि हमें बताया गया कि दोनों का एडिशन 9 आता है. सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9. फाइनल पूछा क्या है मुझे, व्हाट इज द 2-digit नंबर. अभी वो 2-digit नंबर में 2 digit आएंगे, एक यूनिट डिजिट और एक टेंस प्लेस डिजिट. तो वो दोनों डिजिट मुझे x में पहले एक्सप्रेस करने पड़ेंगे. हमारा तरीका क्या है सॉल्व करने का, जो चाहिए मुझे वो पहले x में लिखो, एक ही वेरिएबल x में लिखो. तो यहाँ पे मुझे वो दोनों डिजिट चाहिए सेपरेटली, तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड देयरफॉर टेंस डिजिट विल बी इक्वल टू 9 − x, क्योंकि उन दोनों का एडिशन 9 आना चाहिए. तो एक x लिया. सर मुझे क्वेश्चन समझ में आया सर, वो बोले 2-digit की मतलब, वो मतलब 34 होगा तो 3 और 4 की एडिशन होगी क्या? हाँ, sum of the digits, sum of the digits of a 2-digit मतलब ऐसे कंडीशन ऐसे आ सकती क्या, 1 + 8 एंड नंतर एंड 2 + 7 63 है, तो उसके 2 digit है, 6 + 3 9 आएगा. तो अगर मैंने एक डिजिट 3 लिखा तो दूसरा डिजिट 9 − 3 आएगा. ये समझा क्या? यस सर. वैसे ही मैंने एक डिजिट अगर x लिया तो दूसरा डिजिट 9 − x आएगा. इज दिस क्लियर नाउ? सर अगर हमें पूछा कि टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे करेंगे वेरिएबल में एक्सप्रेस इस 2-digit नंबर को? हाँ, अभी देखो. सी, पहले मैंने क्या बोला, पहला लाइन पढ़ के, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. तो उसके जो दोनों डिजिट्स है उनका सम 9 है. जैसे फॉर एग्जांपल 63 में दोनों डिजिट, पहला डिजिट 6 है, दूसरा 3 है, उनका सम 9 आता है. तो एक डिजिट 3 लिया तो दूसरा डिजिट 9 − 3 आएगा, 6. ओके, तो वैसे ही मैंने एक डिजिट अगर x लिया तो दूसरा डिजिट 9 − x आएगा, क्योंकि उन दोनों डिजिट का जो एडिशन है वो 9 आना चाहिए. एंड हम अभी हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, नंबर जो है वो दिखने में ऐसे दिखेगा, नंबर जो है वो आएगा, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो. ये जो अभी मैंने बताया, ये आएगा वो नंबर, ऐसे. ठीक है, और रिवर्स नंबर कैसे आएगा, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर में जो डिजिट अलग अलग हो जाते हैं, यूनिट डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पे जाएगा, और जैसे 52 में हो गया तो उसमें x × 10 + 9 − x × 1 ऐसे आएगा रिवर्स नंबर. ये दोनों लाइन समझ में आए क्या? यस सर. कौन बोला नो? देखो 25 जो है उसको हमने कैसे लिखा, 2 × 10 + 5 × 1. तो वैसे ही हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है उसमें हमने यूनिट डिजिट में x लिया और टेंस डिजिट में 9 − x लिया. तो हम जब लिखते हैं किसी भी नंबर को तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, उन दोनों का एडिशन ले लो. ये आया हमारा रिक्वायर्ड नंबर. और रिवर्स नंबर लेते वक्त क्या होगा,
वो जैसे 25 का 52 हुआ, तो 52 के केस में 5 इंटू 10 और 2 इंटू 1 आएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 5 ने अपना जगह बदल लिया, 2 ने जगह बदल लिया, तो यहाँ x इंटू 10 आएगा और 9 माइनस x इंटू 1 आएगा रिवर्स डिजिट करने के बाद। यस सर, अंडरस्टूड। इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड? सर मुझे नहीं समझ में आया सर, वो रिवर्स कैसे हुआ? आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पे टू डिजिट का एक्सपेंशन लिया है ना सर, मैं सर टू डिजिट का विस्तारित रूप कहते हैं सर मराठी में उसे। हाँ, सो त्याला जे विस्तारित रूप म्हणतात तेच मी लिहिलेलं आहे, फक्त डिजिट चेंज झाल्यामुळे हे कॅल्क्युलेशन चेंज होईल। 52 कॅन बी रिटन एज 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 अँड 25 कॅन बी रिटन एज 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। वैसे ही मैंने यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर उसमें यूनिट डिजिट एक्स लिया और टेंस डिजिट 9 माइनस एक्स लिया, और जो रिवर्स नंबर है रिवर्स में क्या होगा, एक्स टेंस डिजिट में आएगा और 9 माइनस एक्स यूनिट डिजिट में जाएगा। जैसे ये अगर 63 है तो ये 36 आएगा ऐसे, ठीक है? तो फिर आपको जो एक्सपांडेड फॉर्म है किसी भी नंबर का, चला तुम्हें मराठी विस्तारित रूप मानता, एक्सपांडेड फॉर्म में आप ऐसा लिखेंगे इसको, नंबर और उसका रिवर्स नंबर। नेक्स्ट, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट, इंटरचेंज डिजिट मतलब उसको रिवर्स कर दिया, देन इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, रिजल्टिंग न्यू नंबर मतलब ये रिवर्स वाला नंबर, रिवर्स नंबर जो है, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो रिवर्स नंबर इज, ये रिक्वायर्ड नंबर जो है ना उसको मैं ओरिजिनल नंबर लिखता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन कम होगा, इसको लिखते हैं ओरिजिनल नंबर। रिवर्स नंबर इज ग्रेटर देन बाय ओरिजिनल, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ये आएगा आपका इक्वेशन, रिवर्स नंबर मुझे मिला था x इंटू 10 प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर जो है वो 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, पूछ लो अभी। नो सर, नो डाउट, नो डाउट सर। 10x प्लस 9 1 जा 9 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 10 इंटू 9 सर, सर हाँ बोलो सर, आपने वहां पे सेकंड स्टेप में प्लस 27 नहीं लिखा सर? प्लस 27, प्लस 27, ठीक है। अभी सब x वाले टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करो, नंबर को राइट में शिफ्ट करो एंड देन वी विल सॉल्व। तो यहाँ पे आएगा 10x प्लस 10x, ये माइनस 10x को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ये माइनस x, ये x को भी लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस x आएगा, इज इक्वल टू 90 प्लस 27 राइट में है और इस 9 को राइट में शिफ्ट किया तो माइनस 9। तो सबका कैलकुलेशन 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 2x वो आएगा 18x इज इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस 27 माइनस 9 कितना आता है रे? 108. So x will be 108 upon 18. X is equal to how much? 6. अभी x आया 6, मतलब एक डिजिट आया, देयरफॉर वी कैन से यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x इक्वल टू 6 एंड टेंस डिजिट आएगा 9 माइनस x, दैट इज 9 माइनस 6 वो आएगा 3। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू यूनिट डिजिट 6 और टेंस डिजिट 3, 36, ठीक है। दिस इज द आंसर, हमें क्या पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द टू डिजिट नंबर, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया।
ओके वैसे ही आप सर जब हमें ऑप्शन होंगे तो डायरेक्ट हमें पुट करके लिखना पड़ेगा तो बहुत सिंपल होगा सर। 36 में 27 ऐड किया तो 63 मिलता है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, रिवर्स हो जाता है वो 27 ऐड करने के बाद, सो आवर क्रॉस चेक इज आल्सो करेक्ट। ठीक है सर, ऑप्शन में सर इजी हो जाए। थैंक यू ऑल सर। एक बार आप पहली वाली स्लाइड बताओ ना। सर आपकी ये इस स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट भेजने वाले क्या हम निकाले? यस स्क्रीनशॉट मत निकालो मैं फोटोज भेज देता हूँ। सबको समझ में आया ना?